दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही धमाकेदार, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सोनी के सबसे पॉपुलर टीवी के बारे में इस साल की। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सोनी के X9500H सीरीज के बारे में। तो आज के वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। इसी के साथ ही साथ इस टीवी को मैं कंपेयर करूंगा सोनी के पिछले साल की सीरीज 2019 में जो आई थी X9500G सीरीज के साथ, और देखेंगे कौन सी टीवी अच्छी है, और वीडियो के एंड में आप समझ पाओगे कौन सी ये टीवी आपके लिए परफेक्ट होगी। तो सब कुछ होने वाला कवर इसी वीडियो में, लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाइए, टंटना शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं हैप्पी गाइड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों यहाँ पे आप बात करें सोनी के X9500H सीरीज के बारे में, तो इस सीरीज में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएंट देखने मिलेगा जो है 75 इंच का। और अब यहाँ पे बात करें इसके पैनल के बारे में, पिक्चर क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पे सोनी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो ये टीवी आती है 4K रेजोल्यूशन के साथ। इसी के साथ ही यहाँ पे बात करें डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर लगाया गया फुल एरे LED, जिसका मतलब होता है कि भाई नंबर ऑफ LEDs बहुत ही ज्यादा है, और यहाँ पे आपको सुपर ब्राइट पैनल देखने मिलेगा जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी। इसी के साथ ही साथ आपको लोकल डिमिंग का फीचर भी मिल रहा है, जिसमें आपको बोलते हैं ना डार्क सीन्स जो भी होंगे उसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, और आपको जो एक्सपीरियंस होगा बहुत ही जबरदस्त होने वाला है स्पेशली डार्क सीन में। और अब यहाँ पे बात करें पैनल के बारे में, तो यहाँ पे लगाया गया IPS पैनल, और IPS पैनल की सबसे बड़ी खासियत होती है कि आपको बहुत ही अच्छे व्यू एंगल्स मिलते हैं। तो इस टीवी में आपको अगर आप साइड में भी बैठ के टीवी का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो फिर भी वहां पर आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा पिक्चर क्वालिटी में। और यहाँ पे बात करें टीवी के पिक्चर इंजन के बारे में, तो ये टीवी में लगाया गया X1 Ultimate का प्रोसेसर, जो बैकग्राउंड में जो भी प्रोसेसिंग होती है उसको बहुत ही अच्छे से काम करेगा, और यहाँ पे आपको जो पिक्चर क्वालिटी है उसको इन्हांस करेगा। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे बात करें क्लैरिटी इन्हांसर के लिए, तो यहाँ पे सोनी यूज कर रहा है 4K X Reality Pro, तो यहाँ पर भी ये जो टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर बहुत ही अच्छा काम करेंगे, जिसके थ्रू आपको पिक्चर क्वालिटी बहुत ही नेचुरल और जबरदस्त देखने मिलने वाली है। और एक और चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, सोनी ने जो यूज किया है पिक्चर क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बेस्ड रेजोल्यूशन, जिसका मतलब होता है कि अगर आसान भाषा में इसको समझा जाए तो यहाँ पे समझ लो कोई भी एक एग्जांपल के तौर पे एक सीन है जिसमें समझ लो हैंड है और हैंड और फ्लावर्स है, तो उसमें वो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, और जितना हो सके उतना नेचुरल दिखाने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी को एकदम ही इंप्रूव करने के लिए सोनी ने एक एक बारीकी से ध्यान रखा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बेस्ड रेजोल्यूशन और इसी के साथ ही साथ ऑब्जेक्ट बेस्ड HDR Remaster, ये दोनों ही टेक्नोलॉजी यूज की है जो कि बहुत ही जबरदस्त पिक्चर क्वालिटी आपको देने वाली है। तो पिक्चर क्वालिटी में इस टीवी में आपको कोई भी एंगल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, तो आपको तो मुझे लगना ही नहीं चाहिए कि आपको कोई भी डाउट होगा यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी को लेके। इसी के साथ ही साथ अब जब मैं सोनी की टीवी की बात कर रहा हूं, तो भाई इनके ट्राई ल्यूमिनस डिस्प्ले को मैं कैसे भूल सकता हूं, जो बहुत ही रिच नेचुरल और एकदम जबरदस्त कलर प्रोड्यूस करते हैं। और बात कर ले टीवी के HDR कैपेबिलिटीज के बारे में, तो यहाँ पे HDR 10 HLG Dolby Vision सभी का सपोर्ट देखने मिल जाएगा, तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसी के साथ ही साथ अगर आप गेमिंग के शौकीन हो और या फिर आपको कोई भी एक्शन सीन देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं कि अगर स्क्रीन ब्लर होगा या फिर कोई भी आपको पिक्चर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सोनी यूज कर रहा है X Motion Clarity। और इसी के साथ ही साथ एक और खास फीचर इस टीवी का जो है कि एम्बियंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी में होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे समझ लो अगर आप कोई भी मतलब पिक्चर देख रहे हो, तो अगर आपका एनवायरमेंट के हिसाब से ये टीवी अपने आप को एडजस्ट करेगी, जैसे पिक्चर में अगर ब्राइटनेस या फिर बोलते ना उसको बढ़ाना या फिर घटाना, ये टेक्नोलॉजी काम करेगी। इसी के साथ ही साथ अगर बैकग्राउंड में नॉइज है तो वो साउंड भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा, तो ये टेक्नोलॉजी काम करती है एम्बिएंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों ये सारी बात हो गई पिक्चर क्वालिटी, डिस्प्ले और क्या कुछ खास कर रहा है सोनी इस साल की इस सीरीज में। अब यहाँ पे आगे बढ़ते और बात करते ऑडियो आउटपुट और उसके टेक्नोलॉजी के बारे में, तो यहाँ पे अगर ऑडियो आउटपुट की बात करें तो यहाँ पे 30 वॉट का साउंड आउटपुट दिया गया। इसी के साथ ही साथ अब यहाँ पे बात करें साउंड टेक्नोलॉजी के बारे में, तो यहाँ पे डॉल्बी ऑडियो और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट तो आपको देखने मिल ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक खास बात जो सोनी की टीवी मुझे जो पर्सनली बहुत ही इंप्रेस करती है हर साल, तो यहाँ पे मल्टी अकोस्टिक ऑडियो दिया गया। हम लोग जब भी टीवी देखते हो तो यूजुअली बॉटम फायरिंग स्पीकर होंगे या फिर साइड में तो बहुत कम होता है, मोस्टली आपको बॉटम फायरिंग में ही देखने मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो मल्टी अकोस्टिक ऑडियो है इसमें आपको जो
ऑडियो आ रहा है वो टीवी से आने वाला है, मतलब एक्सपीरियंस बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। मतलब आपको लगे एकदम ऑलमोस्ट बोलते हैं ना स्क्रीन से आपको फील होगा कि आपको जो साउंड आ रहा है स्क्रीन से आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त काम किया है। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे चार स्पीकर का अरेंजमेंट है जिसमें 2 फुल रेंज स्पीकर है और 2 ट्विटर है। और दोस्तों आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप यहाँ पे बात कर रहे हैं टीवी के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पे लगाया गया एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम, 16 GB का इंटरनल स्टोरेज है, मतलब ढेर सारे गेम्स और ऐप्स डाउनलोड करोगे और फुल धमाके से एंजॉय करोगे। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे बात करें डिजाइन के बारे में, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, यहाँ पे बेजल लेस डिजाइन है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे इस टीवी की भाई की आपको एल्यूमिनियम की बॉडी देखने मिल जाएगी, प्लास्टिक की नहीं भाई, यहाँ पे एल्यूमिनियम दिया गया है। एल्यूमिनियम की फिनिशिंग और जो लुक्स होते हैं, अगर प्लास्टिक से मैं कंपेयर करूँ, प्लास्टिक तो दूर दूर तक मतलब कंपेयर ही नहीं कर सकते, तो एल्यूमिनियम यहाँ पे बहुत जबरदस्त लुक एंड फील के साथ आने वाला है डिजाइन। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे जो टेबल टॉप स्टैंड है वो भी एक अलग ही पैटर्न में आते हैं, जिसको सोनी बोलता है प्रीमियम ब्लेड स्टैंड, जिसमें होता है कि एकदम साइड में टेबल टॉप लगा होता है टीवी के, और जो लुक्स होता है उसका बहुत ही मस्त होता है। तो ये बातें हो गई सारी डिजाइन के बारे में। और चीज मैं कहना चाहूंगा डिजाइन के मामले में, जहां पे हम लोग जो टीवी के पीछे वायर्स होते हैं, तो यहाँ पे आपको कंसील्ड केबल मैनेजमेंट देखने मिल जाएगा, जिसका मतलब होता है कि आपको जो वायर होंगे वो दिखेंगे नहीं, क्योंकि वो एकदम इतने अच्छे से नीट और क्लीन और एकदम अच्छे से मैनेज किए गए और लुक्स में आपको और भी बेहतरीन बनाते हैं। तो ये यहाँ पे सोनी ने कुछ खास किया है। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ पे आगे बढ़ते और बात करते हैं टीवी के कनेक्टिविटी के बारे में, तो यहाँ पे लगाया गया है टीवी में 4 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट, जिसमें एक आर्क पोर्ट है, एक ई आर्क पोर्ट है, एक 2.1 चैनल वाला पोर्ट है, इसी के साथ ही साथ एक जो है नॉर्मल वाला है। तो यहाँ पे 4 HDMI पोर्ट देखने मिल जाएंगे, 2 USB पोर्ट, ईथरनेट का पोर्ट, हेडफोन जैक और जितने भी जरूरी पोर्ट्स होते हैं सब के सब आपको इस टीवी में देखने मिल जाएंगे। और जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे HDMI 2.1 पोर्ट है, मतलब यहाँ पे जो भी इस साल के अभी आने वाले PlayStation या फिर Xbox, उसमें आपको ये बहुत ही मदद करेंगे, क्योंकि अभी के जो भी PlayStation और Xbox आ रहे हैं सबका ऑडियो HDMI 2.1 ही है, तो यहां पे आपको गेमिंग में भी कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब यहां पे बात करें और कनेक्टिविटी के बारे में, तो इस टीवी में ब्लूटूथ 4.2 दिया गया है, ब्लूटूथ 5.0 दिया हो तो ज्यादा अच्छा था, फिर भी कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। इसी के साथ ही तो आपको टीवी में बिल्ट इन क्रोमकास्ट देखने मिल जाएगा। और यहां पे बात करें टीवी के कुछ स्मार्ट फीचर्स के बारे में, तो यहां पे आपको गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट देखने मिल जाएगा, वॉइस एनेबल रिमोट दिया गया है, और इसी के साथ ही एप्पल एयरप्ले 2, एप्पल होम किट, एलेक्सा, सभी चीजों का सपोर्ट आपको देखने मिल जाएगा। एक और चीज मुझे जो याद आ रही इस टीवी की भाई, कि इस टीवी में जो रिमोट है वो रिमोट स्मार्ट रिमोट है, जिसमें मतलब अगर आपके रूम में और भी कुछ जैसे स्मार्ट रेफ्रिजरेटर हो गया, स्मार्ट लाइट है, स्मार्ट फैन है, तो वो भी इस रिमोट के थ्रू कंट्रोल हो जाएंगे। तो ये एक एक्स्ट्रा फैंसी फीचर है जो आपको इस टीवी में मिलने वाला है। इसी के साथ ही साथ अब यहाँ पे बात करें कंटेंट प्रोवाइडर के बारे में, तो यहाँ पे आपको जितने भी पॉपुलर कंटेंट प्रोवाइडर है, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, यूट्यूब, जितने भी है सब कुछ आपको देखने मिल जाएंगे इस टीवी में, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी। और एक और खास बात इस टीवी की, अगर आप नेटफ्लिक्स के फैन हो, नेटफ्लिक्स का कंटेंट ज्यादा पसंद करते हो, तो यहाँ पे आपको नेटफ्लिक्स कैलिब्रेटेड मोड दिया गया, जिसमें होता क्या है कि भाई आपको जो नेटफ्लिक्स का एक्सपीरियंस है बहुत ही जबरदस्त बनाता है। यहाँ पे इनफैक्ट सोनी का इतना दावा है, इतना मतलब वो बोलते हैं भाई कि अगर आप नेटफ्लिक्स का जो डायरेक्टर मूवी बनाते टाइम जितना अच्छे से इमेजिन करता है, उतना अच्छा एक्सपीरियंस, उतना अच्छा पिक्चर क्वालिटी आपको नेटफ्लिक्स के कैलिब्रेटेड मोड में देखने मिलने वाला। तो ये एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही खास बात होगी इस टीवी की। तो यही थी सारी डिटेल्स इस X9500H सीरीज के बारे में। और फिलहाल इसमें अभी तक सोनी ने एक ही वेरिएंट लॉन्च किया है, जो है 75 इंच का, और मुझे लगता है आई एम 100% श्योर कि यहाँ पे और भी वेरिएंट्स बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। लॉकडाउन की वजह से शायद से बाकी वेरिएंट लॉन्च नहीं हुए, लेकिन आप यहाँ पे बात कर इस वेरिएंट के साइज के और इसके प्राइस के बारे में, सॉरी वेरिएंट के साइज तो मैंने बता दिए, प्राइस के बारे में बात करते हैं, तो ये टीवी की जो MRP है फिलहाल 5.5 लाख रुपए, मतलब 5,50,000 रुपीज़ के आसपास की ये टीवी है। लेकिन ये MRP है तो 100% थोड़ा कम तो होना ही है, मतलब अराउंड 3 लाख के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसकी मार्केट प्राइस। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ पे सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट कि भाई अगर इस टीवी को मैं, कौन सी टीवी आपके लिए परफेक्ट होगी या फिर दोनों टीवी में फर्क क्या है, ये टीवी को मैं अगर कंपेयर करूँ तो मुझे ऑन अ हाई लेवल सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है कि भाई
X9500G में बहुत सारे वेरिएंट्स थे, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो उसके वेरिएंट और उसकी प्राइसिंग। और यहाँ पे अगर सवाल आपके मन में आ रहा है कि भाई इसमें कुछ प्लस माइनस आएगा दोनों ही टीवी में, तो प्लस माइनस बहुत ही कम है। तो जहाँ पे एक पॉइंट है जो X9500G में आपको 20 वॉट का साउंड आउटपुट दे रहा था, और इस समय जो इस साल की टीवी है X9500H में आपको 30 वॉट का साउंड आउटपुट देखने मिल रहा है। साउंड टेक्नोलॉजी दोनों की सेम है, लेकिन यहाँ पे साउंड आउटपुट का फर्क आपको देखने मिल जाएगा। तो ये एक पहला डिफरेंस मुझे लगता है। उसके बाद एक और डिफरेंस होगा HDMI पोर्ट को लेकर, जहाँ पे आपको HDMI पोर्ट 2.1 देखने मिल रहा है X9500H में जो इस साल की टीवी है, और 2019 वाले की बात करूँ जहाँ पे X9500G में, तो उसमें आपको HDMI 2.0 देखने मिलने वाला। तो इस टीवी में आप इस साल के एक्सबॉक्स और प्लेस्टेशन नहीं कनेक्ट कर पाओगे, तो ये एक मुझे लगता है डिफरेंस। बाकी तो मुझे ऐसा कुछ खास डिफरेंस लगा नहीं दोनों ही टीवियों में। और यहाँ पे अगर 10 वॉट का साउंड आउटपुट कम है, मतलब उतना कुछ कॉम्प्रोमाइज आप नहीं कर रहे हो, या आप उसको इन्हांस कर सकते हो एक साउंड बार लगा के या फिर होम थिएटर लगा के, तो फिर कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं। और यहाँ पे प्राइसिंग आपको काफी अच्छी देखने मिल रही है पिछले साल वाली टीवी में, और टेक्नोलॉजी वगैरह पिक्चर क्वालिटी सब कुछ सेम ही मिल रही है। तो मेरा रिकमेंडेशन होगा, अगर आप टीवी लेने का प्लान कर रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा X9500G लीजिए। और इसकी जो बाइंग लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो, और यहां पे जो भी वेरिएंट्स आपको अवेलेबल मिलेंगे आप अपने हिसाब से ले सकते हो। और इसका एक और फायदा मैं आपको कहना चाहूंगा भाई, कि अगर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे अगर आप परचेस करते हो, तो यहां पे एक अच्छी चीज होगी कि आप इस चैनल को सपोर्ट कर पाओगे, और इस चैनल को मैं बहुत ही अच्छी तरह से रन कर सकता हूं, क्योंकि यहां पे जो लिंक दी गए वो एफिलिएट मार्केटिंग लिंक है। तो ये एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर आप हमारे हैप्पी गेट फैमिली के मेंबर हो तो इस चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए। तो यही थी सारी डिटेल्स दोनों ही टीवी के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है कि कौन सी टीवी आपके लिए परफेक्ट होगी और कौन सी टीवी आपको लेनी चाहिए। फिर भी आपका कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव या फिर कोई भी राय हो तो जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में, और अपना सपोर्ट अपना प्यार बनाए रखे हमारे हैप्पी गाइड चैनल के साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो कि नहीं करो जरूर करो, और वहां पे भी बहुत सारे अपडेट्स आपको देखने मिल जाएंगे। सो फिलहाल के लिए अब लेते हैं अलविदा, और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड। बाय बाय।